नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर हरियाणा प्रदेश के साथ। पिछले 3-4 दिनों से एक नागिन है जो इसी गली में जो है आमतौर पर घूमती नजर आ रही है, और इससे नई बस्ती वासियों में भी काफ़ी दहशत है। वो प्रयास करते हैं उसको ढूंढने और पकड़ने का, पता नहीं वो कहाँ चली जाती है। तो हम अपनी फुटेज में दिखाएंगे कि यहाँ पर जो नागिन है वो वास्तविक कितनी सच्चाई है भी या नहीं, और कुछ लोगों से भी जानेंगे कि उन्होंने इस तरह से जो नागिन देखी है। आमतौर पे तो जीव जंतु हैं, कहीं घूमते नजर आते हैं, लेकिन इसका नुकसान क्या हो रहा है, लोगों में दहशत बनी है। आगे की तरफ जो हम जाएंगे और बारीकी से हम जाँच करेंगे तो वास्तव में नागिन है या नहीं। फ्रेंड्स जी, बताएं आपने क्या देखा है, दिन में क्या एक्टिविटी होती रही है यहाँ पर? 3-4 दिन पहले लगातार सांप बैठा था। अच्छा जी। जो कि मुंह बाहर करके बैठा रहता था। पहले एक बार यहाँ पर भी निकला था, जो यहाँ गड्ढा था, उसके बाद ये सड़क बंद की, उसके बाद से यहाँ पर दिखने तो सांप जब से निकला, लोगों में क्या दहशत हो रही है? ये दहशत ऐसी फैली है कि वहाँ से आदमी आने भी बंद हो गए। हाँ, तो किस कारण है ये? कहाँ से निकलती है, किस किन किन लोगों ने देखा? इस बिल में से निकलती है और ये उस घर तक जाती है। तब आपने देखा तो कैसा महसूस हो रहा था? क्या सांप डस लेगा इस तरह का? भाई डर तो लग ही रहा था, रात के टाइम निकला था, लोग पैर बजाते हुए यहाँ तक लाए थे। तो आप मानते हैं कि जो नागिन है वो उसने कोप बनाया हुआ है गली नंबर 4? हाँ, कत्ती पूरा। मैंने यहाँ पर सुबह नागिन को देखा था, जो इतनी बड़ी नागिन लगभग थी। तो इस नागिन की वजह से नई बस्ती वासियों में भी खूब खौफ हो रहा है। तो ये आम रास्ता है निकलने के लिए, तो लोगों में क्या किस तरह की भय पैदा हो रहा है? लोगों में बहुत ही डर पैदा हो रहा है, यहाँ तक कि इतनी दहशत फैली हुई है कि लोग यहाँ पर जाने से भी जाने से पहले भी 100 बार सोचते हैं। हमने देखा कि वहाँ पर जगह भी तोड़ी हुई है और अंधेरा भी है, क्या इस बात का भी खौफ है नागिन अंधेरे में डस लेगी? इस बात का बिल्कुल, इस बात का भी खौफ बना हुआ है कि रात के टाइम में यहाँ पर जाते वक्त नागिन के डसने का खतरा बना रहता है, इसलिए लोगों ने अपना रास्ता बदल दिया है क्या? हाँ जी बिल्कुल, और इसमें तोड़ने की वजह से उसको पकड़ने की भी पूरी कोशिश हो रही है, पर वो पकड़ी नहीं जा रही है। कितने दिन हो गए हैं लगातार इस बात चलते हुए? लगभग चलते हुए 3-4 दिनों से ये चल ही रहा है सिलसिला। ठीक, गलियों में और बस्ती में तो दहशत है ही सर, यहाँ से गेट से निकलना होता है, सबको डर तो है। मेन रास्ता है, मेन बच्चे जा रहे हैं, तो काम करने वाले जा रहे हैं, काम स्कूल के बच्चे भी जा रहे हैं और भी जा रहे हैं, सबको दहशत तो है ही, उनको लग रहा है अब भी यहाँ है। तो निकलती कहाँ से और जाती? वो उसमें कल सवेरे बुलाए, वो ईंट वगैरह निकाली, दीवार फोड़ी, नहीं निकला सब। तो राकेश जी का भी साफ कहना था कि जो नागिन पकड़ में नहीं आ रही है, पकड़ने के नागिन के प्रयास जारी है लोगों द्वारा, और वो लोग बताते भी है कि हमने नागिन को देखा, लेकिन साफ तौर पर कि नागिन जरूर है, लेकिन सावधानी की भी ज़रूरत है। तो नई बस्ती वासियों से यही है कि भाई अपनी सावधानी खुद बरतें, और इस तरह से जो वीडियो हमने दिखाई हुई है उसमें हम सच्चाई बयान होती है कि वास्तव में नागिन है। और यहाँ पर आने वाले समय में 2-4 दिन के अंदर ये नागिन अगर पकड़ी नहीं गई तो काफ़ी इन लोगों को नुकसान भी हो सकता है।